सब्सक्राइब कीजिए एमके फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं इस वीडियो के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन के एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। अक्सर आप जब नया फ़ोन खरीदते हो तो उस वक्त 2-3 महीने तो आपका फ़ोन आराम से चल जाता है, उसके अंदर कोई हैंग नहीं करता, लैग नहीं करता है, स्लो नहीं चलता है। बट धीरे धीरे आपका फ़ोन पुराना होता जाएगा और आपका जो फ़ोन की प्रॉब्लम है वो बढ़ता जाएगा। यानी आपके फ़ोन में अगर हैंगिंग प्रॉब्लम है, आपका मोबाइल बहुत ही हैंग होते हैं, बहुत ही स्लो चलता है और स्पीड भी बहुत कम है, तो मैं इस वीडियो के अंदर 3 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, ये ऐसा सीक्रेट टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप उन 3 टिप्स को करोगे तो आपका फ़ोन ज़िंदगी में हैंग नहीं करेगा और हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वेल, ये मैं 100% चैलेंज देकर कहता हूँ कि अगर आप ये 3 सेटिंग्स को ऑन कर दोगे, 3 हिडन टिप्स को अगर आप आजमाओगे तो आपका फ़ोन कभी हैंग नहीं होगा। वेल, ये सारे चीज़ जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर बुरा लगे तो बाद में डिसलाइक कर देना। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला था कि एंड्रॉयड फ़ोन के बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, यानी हीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। उसके साथ साथ आपका जो मोबाइल हैंग करता है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास किसी भी टाइप की पुराना फ़ोन है तो आप उस फ़ोन को सुपर फास्ट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, सिर्फ फास्ट ही नहीं सुपर फास्ट तरीक़ों से उसे यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाना होगा। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके अबाउट फ़ोन के अंदर आना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अलग अलग फ़ोन में अलग अलग सेटिंग्स होता है, बट घुमा फिरा के आपको एक ही जगह लेके आएगा। तो उसके बाद आपको बिल्ड नंबर दिखाई देगा, उस पर आपको 7 times प्रेस कर देना है, यानी 7 बार दबा देना है। उसके बाद आपको एक हिडन फाइल या फिर कह सकते हो हिडन फोल्डर आपको ओपन हो जाएगा, जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शंस। बहुत सारे लोगों ने तो इसे ओपन भी कर लिया होगा, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, डेवलपर ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑन देख सकते हो, इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट इसके अंदर आपको विंडो एनिमेशन स्किल्स दिखाई देगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये बहुत सारे लोग इस विंडो एनिमेशन स्किल्स को जानते हैं। अगर आप इस विंडो एनिमेशन स्किल्स को जानते हो तो फिर भी ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको पूरे YouTube पर किसी ने भी नहीं बताया होगा, और मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि आपका फ़ोन फास्ट तरीक़े से चलता है या नहीं चलता है, वो मैं इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ दिखा के बताऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो विंडो एनिमेशन है वो ऑफ है। अगर मैं तीनों को ऑफ कर दूँगा तो मेरा जो फ़ोन है वो फास्ट तरीक़े से चलेगा। मैं सबसे पहले विंडो एनिमेशन को मैं 2x कर देता हूँ, एंड उसके बाद देखते हैं मेरा फ़ोन कितना फास्ट तरीके से चलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्क्रॉल डाउन करके विंडो एनिमेशन तीनों को मैं 2x कर देता हूँ, फिर से 2x। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो स्पीड है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अगर किसी की फोल्डर के अंदर जाऊँगा तो बहुत स्लो चलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही स्लो चल रहा है, मैंने प्रेस कर दिया तो देख सकते हो बहुत ही स्लो चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं फिर से एक एप्लीकेशन को ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो म्यूजिक का एक एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हो ओपन होने में बहुत टाइम लगता है। तो आप इसी एप्लीकेशन को, यानी इसी म्यूजिक को मैं उस सेटिंग्स में जाके मैं एनिमेशन स्किल्स को 0 कर दूंगा, और उसके बाद इसे ओपन करूंगा, देखूंगा मैं कितना फास्ट तरीके से ये चलता है। तो विंडो एनिमेशन स्किल्स मैंने 0 कर दिया, एनिमेशन 0 है। अब चलते हैं उस एप्लीकेशन की तरफ। तो मैंने यहाँ पे म्यूजिक को ऑन किया था पहले, फिर से मैं म्यूजिक को ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, टच करते ही ये ओपन हो गया। तो इसी तरीके से आप अपने फ़ोन को फास्ट तरीक़े से यूज़ कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन फास्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपका फ़ोन हीटिंग प्रॉब्लम से ऑब्वियसली बचेगा। तो मेरे चैनल पर और भी वीडियो है हीटिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस है आप जाके देख सकते हो। तो आपका फ़ोन अगर सुपर फास्ट तरीक़ों से यूज़ करना है, अगर आपका फ़ोन फास्ट तरीक़ों से यूज़ करना है तो ऑब्वियसली आपका जो विंडो एनिमेशन स्किल्स है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन स्किल्स 1x रहता है, सभी फ़ोन में 1x रहता है, कुछ फ़ोन में 0.5x रहता है। बट आपको करना क्या होगा, एनिमेशन स्किल्स को ऑफ कर देना है। आपके फ़ोन में ये डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद इस ऑप्शन को ऑन
यानी ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आपका जो फ़ोन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ये मैं 100% चैलेंज कर कहता हूँ। अगर आपको एक ही नहीं हो रहा है ना तो यार डिसलाइक कर देना एंड वीडियो के नीचे कमेंट करना कि भाई ऐसे बकवास मत करो, कोई रियल ट्रिक्स है तो बताओ। तो यार ये ट्रिक्स आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताया, ये मैं सच में कह रहा हूँ कि आपका जो विंडो एनिमेशन स्किल्स है इसके बारे में तो लोग बताते हैं बट उन लोगों ने लाइव प्रूफ दिखा के नहीं देते कि आपका जो विंडो एनिमेशन स्किल्स है अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका फ़ोन में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल देकर कहता हूँ, एनिमेशन स्किल्स 10x रहता है, मैं तीनों को 10x कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लाइव प्रूफ देख सकते हो, मैं विंडो एनिमेशन को एनिमेशन स्किल को यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया तो देख सकते हो धीरे 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 ऑन होते हैं। तो अगर मैं इससे भी 10x कर दिया तो ये बंदा तो क्या बताओ यार, अब आप बैक करोगे ना तो 2 दिन बाद बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या मजा की बात है ना। तो अब अपने फ़ोन को स्पीड करने के लिए, सुपर फास्ट करने के लिए, फास्ट नहीं सुपर फास्ट करने के लिए आपको विंडो एनिमेशन स्किल्स को ऑफ कर देना है। ये मानो या ना मानो ये सच है, आप विंडो एनिमेशन स्किल्स को 0 कर दो। अगर आप ये 3 सेटिंग्स कर दिए तो ज़िंदगी में आपका फ़ोन स्लो नहीं चलेगा, स्लो नहीं चलेगा यानी आपका फ़ोन सुपर फास्ट तरीक़ों से काम कर पाओगे आप अपने फ़ोन के अंदर, और आपका फ़ोन हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं होगा। वेल आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना कि क्योंकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले तो आपको देखना है ना। तो यार चलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से लौटूंगा मैं, तब तक के लिए बाय गाइस।